हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं फैमिली हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं नागभस्म। आयुर्वेद की एक औषधि है जो बड़ा ही फेमस है, नागभस्म के बारे में। यह क्लासिकल मेडिसिन है जो कि लगभग सभी ब्रांड में अवेलेबल है, चाहे डाबर का लें, वैद्यनाथ, पतंजलि वगैरह, इस टाइप की जितनी भी सारी कंपनियां हैं सभी में यह अवेलेबल है। यह शीशे या लेड से बना जाता है। लेड को ही आयुर्वेद में नाग बोला जाता है। आप सांप वाला नाग ना समझें, यह लेड को आयुर्वेद में नाग कहा गया है, जिससे यह जो है नागभस्म बनाया जाता है। यह डायबिटीज वो यूरिन से रिलेटेड जितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब के लिए इसको यूज किया जाता है। इसको प्रॉपर समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेकर के आऊं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि मैं सबकी बहुत सारी वीडियोज लेकर के आने वाला हूं जो आपके हेल्थ से रिलेटेड होगी, जो आपके जीवन को बिल्कुल सुख में, स्वस्थ और खुशहाल बनाने में मदद करेगी। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं मेन टॉपिक पर। तो आज के टॉपिक में है नागभस्म के फायदे। तो फायदे की अगर हम बात करें तो यह तीनों दोषों को बैलेंस करने का काम करता है, यानी कि वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोषों को बैलेंस करके चलता है। क्योंकि इन तीनों में से किसी भी प्रकार का अगर किसी भी एक दोष अनबैलेंस होता है, अगर बैलेंस खराब होता है उसका, तो बहुत सारे रोग जो है आपके शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये तीनों दोषों को बैलेंस करने का काम करता है, सबसे बड़ा फायदा। तो अगर आप इसको लेते हैं तो ये तीनों दोष जब बैलेंस रहेंगे तो आपके बॉडी में बहुत ही कम रोग उत्पन्न होंगे, रोग उत्पन्न होंगे ही नहीं। और ये पेट के सभी रोग को दूर करने में सक्षम है, जैसे भूख की कमी या फिर भूख ना लगना, एसिडिटी, सीने में जलन, खाने का सही तरीके से नहीं पचना, जठर अग्नि का मंद होना या जठर अग्नि को तेज करने का भी काम करता है, जिसकी वजह से आपका खाना सही से पचने लग जाता है, पेट में जलन, प्यास का ज्यादा लगना, उल्टी जैसा सेंसेशन होना, इन सारी प्रॉब्लम्स में बहुत ही अच्छा ये काम करता है। डायबिटीज और डायबिटीज की वजह से जितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अंदर नागभस्म बहुत ही अच्छा असर दिखाता है। उस कंडीशन में आपको जरूर इसका सेवन करना चाहिए। जिन्हें शारीरिक व सेक्सुअल कमजोरी है उन्हें इसको शिलाजीत के साथ लेना चाहिए, बहुत ही अच्छा असर देखने को मिलता है। हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी इसका बहुत ही अच्छा फायदा होता है, जैसे हड्डियों की कमजोरी, हड्डियों का टेढ़ा होना, हड्डियों में दर्द रहना, जोड़ों में दर्द रहना, उस कंडीशन में इसका बहुत ही अच्छा फायदा देखा गया है। बवासीर में भी कुछ सहायक औषधियों के साथ जो है डॉक्टर इसे देते हैं। जिनका मसल्स नहीं बनता, काफी अच्छा खाते पीते हैं, जिम भी करते हैं लेकिन मसल्स नहीं बनते, उन्हें जो है इसका सेवन जरूर करना चाहिए। यह मसल्स को जनरेट करने का काम करता है, मसल्स को बनाने में जो है आपकी बहुत मदद करेगा। नामर्दी जैसी प्रॉब्लम्स में नसों की कमजोरी है तो उस कंडीशन में शिलाजीत के साथ बहुत ही अच्छा फायदा देखने को मिलता है। वीर्य विकार में भी बहुत ही अच्छा फायदा देखा गया है, जैसे अत्यधिक वीर्य स्राव से दिमाग की कमजोरी, किसी भी काम में मन का ना लगना, फालतू के मन में विचार आना, इस टाइप के जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उसमें बहुत ही चमत्कारिक लाभ देखने को मिलता है। आंखों से रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, आंखों के आगे धुंधला, अंधेरा छा जाना या फिर जो है कम दिखाई देना, कम रोशनी हो जाना, तो उस कंडीशन में अगर आप महात्रिफला घृत के साथ अगर आप इसका सेवन करते हैं तो बहुत ही अच्छा फायदा देखने को मिलता है। तो ये तो थे सारे फायदे, अब हम बात करते हैं इसके डोज की। तो इसे 125 ग्राम सुबह शाम शहद के साथ जो है आप इसका सेवन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा फायदा देखने को मिलता है। अलग अलग रोग के साथ में जो है अलग अलग दवाओं के साथ डॉक्टर्स लोग देते हैं, इसकी सलाह देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो रोग बहुत ही जल्द से जल्द खत्म हो जाता है। इसीलिए बेहतर होगा कि रोग के अनुसार आप डॉक्टर से सलाह लेकर के आप इसका सेवन करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जो भी आपको रोग है उसके हिसाब से उस दवाओं के उसके साथ सहायक दवाओं के साथ अगर इसका सेवन किया जाए तो रोग बहुत ही जल्द से जल्द खत्म होता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा नागभस्म के बारे में और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, प्लीज आप कमेंट में बताते रहें। और दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर वीडियो चाहिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं किसी और अच्छी जानकारी के साथ में। और पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।